ये भाई भगत सिंह जी की मूर्ति, भगत सिंह की मूर्ति। और ये हो गया भाई स्टार्ट। ओ माय गॉड, मतलब स्टार्ट हो गया भाई। ओहो माइक में भी बोलो। ओहो ये ना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से 50% ऑफ है इसमें सारी मेडिसिन में। अच्छा हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो गाइस आप देख रहे हो भाई वेदी ब्लॉग्स और मैं हूँ आपका होस्ट यतीश वेदी। तो भाई फिलहाल हम नागपुर में और ट्रेन रुकी है और भाई यहाँ पे आवाज़ लग रही चाय 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 के। टाइम हो रखा है 8:42:51 और भाई हम नागपुर में फिलहाल। और मैं भाई एक छोटे से बच्चे से बात कराता हूँ जो कल से हमारे साथ ही है ट्रेन। क्या नाम है? आर्यन। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सेक्रेट हार्ट। कहाँ पे? ये कहाँ है? पंजाब में। यार मेरे ये हमारे साथ ही था बच्चा कल से और भाई बहुत प्यारी स्माइल है यार बच्चे की, आप देख सकते हो खुद ही। और ये अंकल है। हेलो। हेलो। तो आप क्या करते हो? मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। अच्छा। ब्रांच मैनेजर। अच्छा अच्छा, तो भाई अंकल भी साथ ही थे हमारे, बहुत अच्छे हैं यार। मतलब बिहेवियर जो बंदा जी जी करके बात करता है ना वो है। और ये नहीं मतलब कि बोल दिया तो जी जी, हम खुद किसी को नहीं बोलते, हम रिलेटिव में नहीं बोलते, रियान जान आदमी को बोल रहे हैं तो आप देख सकते हो। तो ठीक है भाई, नाइस मीटिंग यू। हां नाइस मीटिंग यू। हम चैनल वेदी व्लॉग्स कौन सा उनको सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब बैड लाइक शेयर कमेंट। नागपुर रेलवे स्टेशन पे ही, यहाँ से ऊपर आओगे ब्रिज पे तो भाई देखो यार ये पुल बन रहा है। ओ भाई साहब, मतलब क्या पुल है यार। और ये हमारी ट्रेन खड़ी है लेकिन मैं ये पुल देखने आया हूँ। ओ यार मतलब गजब यार, इतने डंडे वेस्ट कर दिए उन्होंने पुल को अच्छा बनाने में यार। भाई वो पानी नहीं दे रही आंटी, उनसे मैंने पूछा कि मतलब नागपुर का फेमस क्या है, तो बोली कि मतलब यहाँ पे एंजॉय से लेके और ऑरेंज से लेके मतलब सब चीज़ें फेमस है। क्या है? झालमुरी, मुरमुरे, प्याज, छोले और टमाटर सब सब डाल। मिर्च ना डालिए भाई। हाँ नहीं। ये क्या तेल? ये नमक। नमक झालमुरी कहाँ की डिश है भाई? ये छत्तीसगढ़ की, एमपी। एमपी की हो गया। तो भाई दुर्ग उतर चुके हैं और हमारे साथ हैं भैया, लेने आए हैं। हेलो। तो ये भाई भाभी के भाई हैं, मोनी भाभी के। और अब करते हैं, मिलते हैं सर आपसे। ठीक है अंकल जी। फौजी साहब भाई नारायणपुर ड्यूटी है। ठीक है अंकल जी। अपने उड़े गए हरियाणा के दज्जर के। ठीक है ठीक है ठीक है भाई। ठीक है दादी जी, ओके। ये हम चल पड़े हैं बाइक से, भैया चला रहे बाइक और सामान हमने रख रखा है। और यहाँ से कम ये लगा लो 10-12 किलोमीटर है घर भिलाई, और वहाँ ट्रेन नहीं जाती तो स्टेशन मतलब दुर्ग में ही है, उतरना पड़ता है। और बाइक से भाई चलते हैं, मार्केट देखते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको भिलाई की हरियाली, मतलब सफाई दिखाता हूँ। मतलब भाई साहब ऐसे रोड है चाहे जीप से चाट लो। बात तो सही है। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. 7 बजे और हम मैं और भैया वापस से भिलाई की सड़कों पे कुछ सामान लेने, और भैया कह रहे हैं कुछ सोडा है यहाँ का फेमस सोडा, और चकाचौंध है यार यहाँ बिल्कुल, मतलब जैसे मुंबई दिल्ली में नहीं होती, यहाँ भी रात को भी है, यहाँ पर भी 11-12 बजे तक, मतलब 1 बजे तक भाई जैसे लाइटिंग वगैरह रहती है। तो अभी तो 7 ही बजे हैं तो कुछ शॉप ओपन हो रही होंगी, और देख सकते हो दिवाली की रौनक अभी तक गई नहीं है, आगे जाएगी भी नहीं भाई, वो यहाँ का शहर ही ऐसा ही है। ये ना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से 50% ऑफ है इसमें सारी मेडिसिन में। अच्छा मतलब कोई भी मेडिसिन ले सकते हो आप इससे 50% ऑफ है। अच्छा मतलब मार्केट रेट से 50% ऑफ था उसमें। 50% डिस्काउंट मिलेगी कोई भी दवाई लो।
देखो भाई यहाँ का चौक है ये, मतलब मेन चौक। और क्या लग रहा है यार, रात को दिन में इतना अच्छा लग रहा था। ये भाई भी लाएगा सिविक सेंटर, यहाँ कोचिंग वोचिंग भी है, मेरा सिनेमा भी है, ये IIT JEE नीट फाउंडेशन, सारे मेन यही है ना भैया। और भी है मतलब भाई, जैसे दिल्ली का मुखर्जी नगर है ना स्टडी का हब, तो बिलाईगा ये सिविक सेंटर हब जिसे बोलते पढ़ाई का। हाँ संडे है भाई आज, तो आज है बंद। और देखो स्कूटी वगैरह की भी है यहीं, ये रही एपेक्स क्लासेस ज़्यादा है। ये बिलाईगा A1 सोडा, और सोडा बन रहा है हमारा, एक मीठा एक नमकीन। ये क्या भैया, गैस सोडा तो मशीन में आता सोडा। अच्छा क्या रेट है इसका, 30 का एक है। हो गया रेडी। अच्छा ये भाई मेरा सोडा, और मैं बताता हूँ पी के टेस्ट कैसा है। जो सोडा था मीठा सोडा, जैसी शॉप का नाम A1 सोडा, मतलब A1 सोडा ही था यार सच्ची। जो मशहूर दुकान है ना बियर पिलाई की, शॉप है पिलाई की सोडे की, सच्ची भाई मतलब मज़ा आ गया यार। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा। भाई अभी बना ये न्यू पार्क, शहीद उद्यान के नाम से है, 10 रुपये एंट्री फीस है यार। मेरे को तो पता नहीं भाई 10 रुपये किस चीज़ की, ना भैया को पता, भैया अभी पहली बार आए हैं। और भाई आते ही लाइट भगा दी यार इन्होंने पता नहीं क्यों, और वहाँ भीड़ इकट्ठी हो रखी है, वो पता नहीं क्यों रखी है। भाई ये क्राउड बैठा है देखो कितना, और देखते हैं। मतलब ये संडे को ही होता है। अच्छा तो भाई देखते हैं कि क्या सरप्राइज मिलेगा। और ये हो गया भाई स्टार्ट, ओ माय गॉड, मतलब स्टार्ट हो गया भाई। ओहो माइक में भी बोलो। ओहो लाइट कैसे चलाते हैं, चैनल का नाम क्या करें? वेदी व्लॉग्स। जिंदाबाद भगत सिंह। कितना 25 फुट 10 इंच का ये मूर्ति है। अच्छा ये मूर्ति है भाई भगत सिंह की, 25 फुट 10 इंच की। ओ यार ग्रेट, ओ हमारा झंडा। ये भाई भगत सिंह जी की मूर्ति, भगत सिंह की मूर्ति। भैया कैसा लगा फाउंटेन आपने देखा? बहुत ही बढ़िया, ऑसम। फर्स्ट टाइम? कैसा एक्सपीरियंस था? वेरी नाइस एक्चुअली, एलिगेंट। कैसा लगा भैया फाउंटेन देखा आपने? बहुत बढ़िया है। फर्स्ट टाइम आपका भी? फर्स्ट टाइम है। कहाँ से आप? मैं छत्तीसगढ़ से ही हूँ, यहीं भिलाई से। अच्छा, बट आना पहली बार हुआ, काफ़ी बढ़िया लगा, अच्छा एक्सपीरियंस। वही जैसे ही आप ये शो ऑफ मोजिकल फाउंटेन देख के पीछे आओगे, तो बच्चों के खेलने का स्पेशल पार्क बना हुआ है, और ये भाई 10 रुपये में इंक्लूड है सारा। और भाई अब आए पार्क से, और भाई मतलब 10 रुपये पहले तो लगे यार किस वजह से ले रहे हैं, पार्क ही तो है, लेकिन बाद में जो वसूल हुए हैं भाई। हमारा मूवी जाने का प्लान था लेकिन कैंसिल हुआ, अच्छा हुआ। और भाई शो का टाइमिंग है 7:30 से 8। भाई इसके थोड़ी से आगे आते ही है ये जहाँ आपको दिखे, ये समझ लो लवर पार्क, आशिकों का पार्क है विलाईगा। क्या है भैया रबड़ी लच्छे? स्पेशल आइटम तैयार। ये हो गया भाई तैयार, टेस्ट करके बताते हैं। JL जसवाल क्या DPS चौक पे थे, और कुल्फी खाई रबड़ी, कुल्फी फलूदा, एक नंबर। हमने भाई पिछली बार जब मैं 2 साल पहले आया था ना यहाँ, जब मैं ब्लॉग का वो नहीं था यार शौक, मेरे को YouTube का शौक नहीं था, तब की बता रहा हूँ ये बात, एक गजब का किस्सा है। क्योंकि यहाँ की रबड़ी खाई थी मैंने, भैया ने ही खिलाई थी मेरे को, तो भाई एक नंबर रबड़ी थी, पता नहीं 70 या 90 रुपये की थी, और भाई वो फुल प्लेट यार, मतलब
हरियाणा से हूँ मैं, तो वहाँ का दूध कितना बेस्ट है, दी बेस्ट दूध है, लेकिन यहाँ की रबड़ी यार मतलब A1 थी यार, वहाँ की रबड़ी फेल थी, इतनी बढ़िया रबड़ी थी। और फिलहाल भिलाई में टहल रहे हैं भाई खाना खा के, और मज़ा आ गया यार, मतलब थक गया यार बस। बाकी वो म्यूजिक फाउंटेन भी देख के अच्छा लगा भाई, वो पूरा म्यूजिक फाउंटेन का पूरा शो आएगा, या तो आएगा यतीश वेदी वाले चैनल पे या फिर क्रेजी यतीश, इन दोनों चैनल पे एक पे आएगा, तो उसका मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा जैसा भी है। और भाई मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, गुड नाइट, जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान। और ये भाई पत्थर कुत्ते हैं ज़्यादा यार, और अजनबी हूँ मैं तो यहाँ के लिए, कुत्तों के लिए भी तो कभी पार ना ले। बाय बाय।